हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नॉक्स पे। आज हम देखते हैं टीवीएस मोटर कंपनी का न्यू लॉन्चिंग बाइक रॉनिन का स्पीडोमीटर या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉनिन बाइक आपको 3 वेरिएंट्स में मिलेगा, बेस वेरिएंट्स और उसके बाद आता है बेस प्लस, और जो टॉप या मिड वेरिएंट्स पे आएगा, हम आज बेस वेरिएंट्स बाइक का स्पीडोमीटर के रिलेटेड फीचर्स क्या है एक्सप्लेन करेंगे। टीवीएस मोटर ने लीप बेस वेरिएंट्स बाइक पे नॉर्मल क्लस्टर ऐड किया, बट बेस प्लस और मिड वेरिएंट्स पे आपको स्मार्टफोन कनेक्टेड क्लस्टर मिलेगा। सो टीवीएस रॉनिन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा डिफरेंट लुक है, और ऑफसाइट पे इंस्टॉलेशन किया लुक्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको एलईडी और एलसीडी स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। एलईडी पे न्यूट्रल इंडिकेटर और इंजन ईएफएल लैंप, लेफ्ट साइड टर्न सिग्नल, फुल एम्प्टी लैंप, हाई बीम इंडिकेटर, आईएससी लैंप, राइट साइड टर्न सिग्नल, साइड स्टैंड लाइट, एबीएस लैंप, ये सब आपको ऑल वेरिएंट्स पे मिल जाएगा। सो नेक्स्ट एलसीडी स्क्रीन पे क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले ये है आरपीएम मीटर, और इस मीटर का 1/200 आरपीएम है। ये है गियर इंडिकेशन, इस पे आपको रेडिंग कंडीशन पे बाइक कितना नंबर गियर पे है वो इंडिकेशन मिलेगा। और इसका साइड पे इंस्टॉलेशन किया। गियर शिफ्ट पे इंडिकेटर एक बहुत अच्छा फीचर है। टीवीएस कंपनी का बहुत सारा मॉडल पे गियर शिफ्ट आरपीएम इंडिकेटर था, बट रॉनिन पे थोड़ा डिफरेंट किया। इस पे आपको स्पीड के हिसाब से गियर अप और डाउन करना है, वो एरर सिंबल पे इंडिकेशन मिलेगा, बट ये फीचर्स आपको गाड़ी रनिंग कंडीशन पे मिलेगा। नेक्स्ट ये है स्पीडोमीटर, इंस्टेंट बाइक का स्पीड देखने के लिए मिलता है। ये है फ्यूल गेज, और ये है ऑडियो मीटर, टोटल किलोमीटर रनिंग इस पे मिलता है। ये है क्लॉक, सो क्लॉक सेट कैसे करे देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे मोड और सेट बटन है, आपको मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और क्लॉक ब्लिंक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सेट बटन को प्रेस करें और टाइम फॉर्मेट सेट करना है 12 आवर्स और 24 आवर्स, वो मोड बटन से चेंज करना है। उसके बाद सेट बटन को प्रेस करें 1 टाइम, एएम और पीएम ब्लिंक स्टार्ट होता है। मोड बटन प्रेस करें, एएम और पीएम चेंज करें, और सेट बटन प्रेस करें, एएम और पीएम सेट करें, आवर सेट करना है, मोड बटन ओके प्रेस करके, और उसके बाद मिनट को भी सेम चेंज करें, लास्ट सेट बटन को सेट प्रेस करें, टाइम सेट हो जाएगा। उसके बाद मोड बटन को शॉर्ट प्रेस करें, फास्ट ऑप्शन ट्रिप 1 किलोमीटर देखने के लिए मिलेगा। ट्रिप 1 को भी सेट बटन प्रेस कर सकते हैं रीसेट करने के लिए। उसके बाद ट्रिप 2 किलोमीटर है, सेम इसको रीसेट कर सकते हैं। और लास्ट है डीटीई ऑप्शन, इस पे फ्यूल टैंक पे जो फ्यूल है वो फ्यूल पे एम्प्टी तक आप कितना किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं वो किलोमीटर शो करेगा। सो फ्रेंड्स, इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ब्राइटनेस को भी चेंज कर सकते हैं। सो चलिए ब्राइटनेस सेट कैसे करें देखते हैं। फर्स्ट मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करें तो क्लिक ब्लिंक स्टार्ट होता है। मोड बटन को छोड़ दे, फिर से बटन को शॉर्ट प्रेस करें, आप सेट बटन को शॉर्ट प्रेस करें, और मोड बटन से आप ब्राइटनेस अप और डाउन कर सकते हैं। मिनिमम 20 ब्राइटनेस है और मैक्सिमम 100 ब्राइटनेस है। लास्ट सेट बटन प्रेस करें और ब्राइटनेस सेट हो जाएगा।
लास्ट ऑप्शन है राइट मोड्स उर्बन और रेन मोड। राइट साइड पे मोड बटन दिया है, उसको प्रेस करें और मोड को चेंज करें। मोड चेंज करना है तो थ्रोटल को छोड़ दे, उसके बाद मोड चेंज करें। थ्रोटल ओपन कंडीशन पे मोड बटन प्रेस किया तो कुछ इस तरह क्लोज थ्रोटल ब्लिंक होगा और मोड चेंज नहीं होगा। सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर ऑफ कैसे करना है, मोड बटन को शॉर्ट प्रेस करें, डीटीई मोड पे सेट करें, उसके बाद मोड और सेट बटन को एक साथ प्रेस करें 20 सेकेंड, सर्विस इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे नॉक्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिलहाल के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो पे।